सारे देश भर में परिवर्तन यात्रा चल रही है। आज गुजरात की परिवर्तन यात्रा शुरू हो रही है और जब हमने परिवर्तन यात्रा का संकल्प घोषित किया था, जो समय हम लोगों ने ऐलान किया था 6 महीने तक चलने वाली परिवर्तन यात्रा निकालेंगे, 6 महीने का मतलब है 180 दिन की परिवर्तन यात्रा निकालेंगे। कन्याकुमारी से लेकर काश्मीर तक और काश्मीर से दिल्ली तक ये परिवर्तन यात्रा निकालेंगे। ये संकल्प हमने घोषित किया था। संकल्प घोषित करने के बाद हमें यह एहसास हुआ कि इस तरह की कोई परिवर्तन यात्रा निकालने के लिए हमारे पास कोई अनुभव कोई तजुर्बा नहीं है। इसलिए अनुभव और तजुर्बा लेने के लिए हमने प्लान बनाया कि एक छोटी यात्रा अनुभव लेने के लिए पहले निकाली जाए। तो महाराष्ट्र में 24 अप्रैल से लेकर 3 जून तक, जब महाराष्ट्र का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से लेकर 48 डिग्री सेल्सियस गर्मी होती है, उस समय हम लोगों ने ये परिवर्तन यात्रा निकाली थी। और ये परिवर्तन यात्रा भीमा कोरेगांव में जो फसाद करवाने की कोशिश मिलिंद एकबोटे और संभाजी भिड़े की मदद से महाराष्ट्र की सरकार का जो मुख्यमंत्री फडणवीस है उसके द्वारा जो षड्यंत्र किया गया था उसके द्वारा ये किया गया। साथियों, इसके बावजूद भी हम लोगों ने उसका मुकाबला करने के लिए और उनका बंदोबस्त करने के लिए उस समय ये परिवर्तन यात्रा निकाली थी। बॉम्बे में जब ये परिवर्तन यात्रा आई थी तो मुख्यमंत्री ने डायरेक्ट आदेश देकर हमारी परिवर्तन यात्रा रोकी थी, फडणवीस ने रोकी थी। दो दो पुलिस कमिश्नरों को मेरे को समझाने के काम पर लगाया था, मगर हमने पुलिस कमिश्नरों की बात को नहीं माना, हमने पुलिस कमिश्नर को अपनी बात मनवा ली। पुलिस कमिश्नर की बात हमने नहीं मानी, हमारी बात हमने पुलिस कमिश्नर को मनवाई। ये परिवर्तन यात्रा चलेगी, कोई ताकत नहीं है जो इस परिवर्तन यात्रा को रोके। मजबूर होकर फडणवीस को पुलिस एस्कॉर्टिंग में हमारी परिवर्तन यात्रा आगे बढ़ानी पड़ी। आज जब मैं यहां आया तो आने के बाद मुझे पता चला कि सभा के लिए अनुमति है, परिवर्तन यात्रा के लिए अनुमति नहीं। तो मैंने नारायण को बुलाया और बुलाकर कहा कि पुलिस वालों को मेरा संदेश दे। कहा कि क्या संदेश देना है? कि आधे घंटे में फैसला करो, उसके बाद हम फैसला करेंगे। आपके पास हमने ज्यादा समय नहीं, आपको आधे घंटे का समय दे रहे। तो उन्होंने 15 मिनट में ही फैसला कर, ज्यादा समय नहीं लिया और कहा कि आपकी परिवर्तन यात्रा चले। सारे देश भर में परिवर्तन यात्रा चल रही, हम नरेंद्र मोदी की नहीं मान रहे, इनकी मानेंगे?
अभी 3-4 राज्यों में चुनाव है, अगर इन्होंने हमारी रोका तो हम उधर रोकेंगे। तो मालूम है बिहार में हमने लोगों ने इनका बंदोबस्त किया था। जब बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन मनाने के लिए कलोल में इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन मनाने के लिए रोक लगाई थी, तो लोग कार्यकर्ता मेरे पास आए और कहने लगे कि पुलिस वालों ने परमिशन नहीं दी। मैंने कहा बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन मनाने के लिए परमिशन नहीं दी है? चलो चिंता मत करो, मैं देता हूं। तुम चिंता मत करो, मैं परमिशन दे। हमारे लोगों को समझ में कम आता है। कहा कि तुम को ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, मैं आगे आगे चलता हूँ, तुम पीछे पीछे चलो, जो सोचो ना, ये सोचना तुम्हारा काम नहीं, तो वामन में श्राम का ठेका है। ज्यादा सोचना जो है ये तुम लोगों के बस का मामला नहीं है, ये मेरा काम है, तुम पीछे पीछे चलो। वो मेरे पीछे पीछे आए, मैं स्टेज पर चढ़ा। पुलिस वाले देख रहे थे हम स्टेज पर चढ़े, कार्यक्रम चलाने के लिए कहा, परमिशन नहीं था, कार्यक्रम चलाने के लिए कहा। कार्यक्रम शुरू हो गया, कार्यक्रम अंत हो गया, मैं वहां से सीधा कलोल से अहमदाबाद गया, अहमदाबाद से एयरपोर्ट गया, एयरपोर्ट से सीधा फ्लाइट पकड़कर दिल्ली गया, दिल्ली से सीधा पटना गया। पटना में चुनाव चल रहा, वहां टीवी वालों को बुलाया और कहा कि हम पूरी ताकत लगाएंगे बीजेपी को हरवाने। कहा कि क्यों क्यों हरवाएंगे बीजेपी को? कहा कि ये बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन मनाने के लिए गुजरात में अनुमति नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे बदमाशों को जो संविधान को नहीं मानते हैं, इनकी सरकार आने नहीं देना, हम हरवाएंगे बीजेपी को। तो गुजरात में पटना में वहां पर उन लोगों को मालूम था कि हर चुनाव क्षेत्र में हमारे कहने पर वोट डालने वाले लोग हैं, क्योंकि बड़ी टसल से फ्लाइट हो रही थी, टसल से फ्लाइट हो रही थी, तो 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 से कैंडिडेट चुन गए, तो वहां पर उनकी बुरी तरह से हार हुई। उस हार में हम भी शामिल थे। जब मैंने टीवी पर ऐलान किया तो जो टीवी का डायरेक्टर था दिलीप सिंह, जो बीजेपी का नेशनल वाइस प्रेसिडेंट था, वो उसके चैनल पर बोलने के लिए आया, तो कार्यक्रम समाप्त होने के बाद उसको कहा कि ये अमन मिश्रा ने ऐसा ऐलान किया है, तो क्या बीजेपी पर इसका कोई निगेटिव असर पड़ेगा? ताकि हाँ असर पड़ेगा। ताकि क्यों? कहा कि इनके हर चुनाव क्षेत्र में 2,000, 5,000, 10,000 तक वोटर रहेंगे कहने पर, तो फाइट फसल जी चल रही है, तो 500,000, 2,000 से भी कैंडिडेट हारते हैं जीतते हैं, असर पड़ेगा। दूसरा सवाल पूछा दिलीप सिंह ने कि आपको पूर्व कल्पना नहीं थी, आपने खामखा उंगली किया, खामखा खुजली किया, आप लोगों को समझ में नहीं आता है खुजली नहीं करना, ये बाबा साहब अम्बेडकर के पागल लोग हैं, दीवाने लोग हैं, आप लोगों को पता नहीं है? उस वाइस प्रेसिडेंट ने कहा ये गुजरात वालों ने गलती की, ये गलती गुजरात में हुई है, उन्होंने नहीं सोचा ये गुजरात से सीधा पटना आ जाएंगे। तो उन लोगों को मालूम है हम क्या कर सकते हैं। अभी 4 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, तो अभी भी फ्लाइट पकड़कर मैं वहां जा सकता हूं। इन लोगों को मैसेज आया होगा निकालने, शांति से निकाल। अरे हम कहां हथियार से निकाल रहे भाई, हम हथियार लेकर चलने वाले लोग नहीं है, हमें हथियार लेने की जरूरत ही नहीं है, हमारी तो संख्या देखकर ही लोग डर जाते हैं, हमको हथियार लेने की जरूरत क्या है? तो इसलिए
अब उन लोगों ने परिवर्तन यात्रा निकालने के लिए अनुमति दी है। अब अनुमति कैसे दे, उनको लग रहा कैसे दे, अपनी भी कुछ रहना चाहिए। कहा कि शांति से निकाल, शांति से ही निकाल रहे भाई, सारे देश भर में शांति से निकाल रहे। नहीं नहीं शांति से निकाल, अरे शांति से ही निकाल रहे भाई। उनको लगे बोले हमारी भी तो पैसा नहीं, इज्जत रहनी चाहिए ताकि दूसरों को बोल सके कि हमारी वजह से ये यात्रा शांति से निकल रही। चलो ठीक है, तुम्हारी भी हेकड़ी रहने दो। तो परिवर्तन यात्रा को गुजरात वाले तो छोड़ो, नरेंद्र मोदी रोक नहीं लगा पा रहे हैं। मैं तो पहले भी कह चुका हूं कि ब्राह्मण तो ब्राह्मण, अभी ब्रह्मा भी हमें रोकने वाला नहीं। तो इसलिए आने वाले समय में ये परिवर्तन यात्रा एक साथ छह जगह से निकल रही है, ये जनवरी तक चलेगी, तो 441 जिलों में चलेगी। 413 जिले हैं ऑल इंडिया में, इस साल 441 जिलों में चलेगी और अगले साल 556 जिलों में चलेगी और 2024 तक परिवर्तन यात्रा चलेगी। ये केवल इस साल नहीं चलेगी, 18 से शुरू होकर 2024 तक परिवर्तन यात्रा चलेगी। और 24 तक जब ये परिवर्तन यात्रा चलेगी तो 6 लाख गांवों तक हमारा आंदोलन पहुंच जाएगा। अगर ब्राह्मण किसी भी गांव में इधर उधर जाना चाहे तो हम वहां हर जगह हाजिर रहेंगे। हमें ऐतराज नहीं है उनके रहने का, हमारा यह कहना है शांति से रहो, क्योंकि ब्राह्मणों को उंगली करने की बहुत ज्यादा आदत है और आप लोगों को अनुभव है उन लोगों का। वो उंगली करने की आदत उनको है, हम उंगली करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा, मिर्ची लग जाएगी। तो इसलिए साथियों ये जो परिवर्तन यात्रा है, जैसे कि हमने नाम लिखा है परिवर्तन यात्रा, ये अडवाणी की तरह रथ यात्रा नहीं है, परिवर्तन यात्रा है। ये रथ यात्रा नहीं है, ये परिवर्तन यात्रा है। तो हम लोग परिवर्तन करने के लिए निकले हुए हैं। तो परिवर्तन करने के लिए निकले हुए हैं तो कौन से परिस्थिति में हमें परिवर्तन करना होगा, वो बात सबसे पहले आपको जानना होगा। देखो आज के तारीख में ब्राह्मणों ने भारत पर ब्राह्मण राज स्थापित कर लिया। उदाहरण आपको बताता हूं कैसे कर लिया। संविधान के आर्टिकल 19 में लिखा हुआ है, संगठन बनाने का मौलिक अधिकार होगा, संगठन चलाने का मौलिक अधिकार होगा, सभा सम्मेलन करने का मौलिक अधिकार होगा, संचार करने का, जैसे परिवर्तन यात्रा संचार कर रही है, संचार करने का मौलिक अधिकार होगा। इसके बावजूद भी रोक लगा रहे हैं, ये इस बात का सबूत है कि देश भर ब्राह्मणों ने ब्राह्मण राज स्थापित कर लिया। इसलिए ये जो ब्राह्मण राज ब्राह्मणों ने स्थापित कर लिया, स्थापित करने के लिए उन लोगों ने जो तरीका बनाया, वो तरीका मैं आपको बताना चाहता हूं। ब्राह्मणों ने इस देश में 5-5 नेशनल लेवल की पार्टियां बनाई। पहली पार्टी 1885 को बनाई नेशनल कांग्रेस, चटर्जी मुखर्जी बैनर्जी गोखले तीरथ आगरकर इन ब्राह्मणों ने बनाई। ज्योतिराव फूले ने लिख कर रखा ये ब्राह्मणों का संगठन है, हम इसमें नहीं जाएंगे और बहुजन समाज को भी नहीं जाना चाहिए, रिकॉर्ड रखकर। दूसरा संगठन ब्राह्मणों ने बनाया भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, श्रीपाद अमरू डांगे बॉम्बे का कोकनस्थ ब्राह्मण, ये दूसरी भी संस्था नेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज है। और नेशनल लेवल की पार्टी है।
तीसरी पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ईएमएस नंबुदरी पाद नंबुदरी ब्राह्मण केरला का उसने बनाई, उसकी सरकार अभी केरला में उसका मुख्यमंत्री है, त्रिपुरा में था, बंगाल में भी था, अभी नहीं है, मगर एक राज्य में अभी भी सरकार, वो भी नेशनल लेवल की ब्राह्मणों की पार्टी। चौथी पार्टी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने बनाई, बनाने के पहले जनसंघ बनाया था, जनसंघ का पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाली ब्राह्मण था। नाम के साथ, इतिहास के साथ, सबूत के साथ सारा का सारा डाटा हमारे पास है। आरएसएस के लोग कहते हैं वामसेठ पर और वामन मेश्राम पर निगरानी रखो, अरे तो हमने भी तो निगरानी रखी है, तुम ही हमारे ऊपर निगरानी रखोगे, हम नहीं रखेंगे तुम्हारे ऊपर। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाली ब्राह्मण, ये आरएसएस ने पहला जो जनसंघ नाम का राष्ट्रीय पार्टी बनाई थी उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष। पांचवी जनसंघ को अटल बिहारी अडवाणी ने जनता पार्टी में विलीन किया था, वहां झगड़ा हुआ तो बाहर आए, बाहर आने के बाद उन्होंने पार्टी बनाई 1980 में, पार्टी का नाम रखा भारतीय जनता पार्टी। ब्राह्मण भारतीय जनता नहीं है, विदेशी जनता है, उनको पार्टी का नाम रखना चाहिए था विदेशी जनता पार्टी, मगर नाम रखा भारतीय जनता पार्टी, हमारा सहारा लिया भारतीय जनता पार्टी। उसका पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ब्राह्मण, वो भी चौथी पार्टी ब्राह्मण। पांचवी पार्टी तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री है, पिछले साल अक्टूबर महीने में चुनाव आयोग ने उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया। और इस तरह से पांच पांच नेशनल लेवल की पार्टियां अकेले ब्राह्मणों की है आज के तारीख में। मुसलमानों की संख्या 15% है, मुसलमानों की एक भी पार्टी नहीं। दूसरी बात, ब्राह्मणों की संख्या सारे देश भर में 3.5% है और गुजरात में 1.5% से ज्यादा नहीं है। गुजरात में 1.5% से ज्यादा नहीं है और ये 1.5% भी बहुत सारा बिहार उत्तर प्रदेश से आए होंगे, क्योंकि बहुत सारे त्रिपाठी पाठक चतुर्वेदी द्विवेदी त्रिवेदी ये सारे नाम गुजराती नाम नहीं। कुछ लोगों को लगता होगा मैं समझ गया ब्राह्मणों का क्यों विरोध करते हो, तो मैं उनको कहता हूं कि मेरे बाप की जो खेती है वो खेती जो है वो ब्राह्मणों को खेती को खेती लगी नहीं है भाई, मेरा कोई झगड़ा नहीं थोड़ी है। मेरे ढो डंगर ब्राह्मणों के खेती में जाके चरते, ब्राह्मणों के ढो डंगर मेरे खेती में आके चरते और इस वजह से हमारा झगड़ा होता, ऐसा कोई झगड़ा तो है। झगड़ा ये है कि तुम यहाँ के मूल निवासी नहीं हो, इस देश पर तुम्हें राज करने का अधिकार नहीं है, ऐसा गांधी जी अंग्रेजों को कहते थे कि तुम इस देश के रहने वाले नहीं हो और इसलिए तुम्हें इस देश पर राज करने का अधिकार नहीं है, ये गांधी जी अंग्रेजों को कहते थे, यही ना मैं ब्राह्मणों को कह रहा हूं और कोई नई बात नहीं कह रहा। तो गांधी जी अंग्रेजों को जो कहते थे वही बात मैं ब्राह्मणों को कह रहा हूं कि तुम इस देश के रहने वाले मूल निवासी नहीं हो, तुम्हें इस देश पर राज करने का अधिकार नहीं है, तुम इस देश में रह सकते हो, हमारा ऐतराज नहीं है, तुम इस देश में रह सकते हो, कानून के दायरे में रहने को तुम लोगों को दिया जा सकता है, मगर देश पर राज करने का अधिकार तुमको नहीं दिया जा सकता।
ये तुम्हारा अधिकार हम मानने के लिए राजी नहीं है, ये मूल निवासी लोगों का अधिकार है। इसलिए साथियों हम लोग ब्राह्मणों के साथ कोई निजी झगड़ा नहीं है, उन्होंने हमारे मातृभूमि पर कब्जा किया, जबरदस्ती कब्जा किया, कानून और संविधान के विरोध में जाकर किया। संविधान होने के बावजूद भी 3.5% ब्राह्मणों ने सारे देश पर कब्जा किया, ऐसा हो नहीं सकता मगर ऐसा हुआ। अगर देश में ईमानदारी से चुनाव करवाया जाए तो ब्राह्मण ग्राम पंचायत का पंच चुनकर नहीं आ सकता। मुझे कच्छ में कोई गांव बताओ जहां पंडित जो है चुनाव लड़कर पंच चुनकर आ सकता, आ सकता कोई पंच आपके कच्छ में? क्योंकि जिसकी संख्या 1-2% है वो 1-2% वोटों से वो गांव के ग्राम पंचायत का पंच नहीं चुन सकता, वो गांव का सरपंच कैसे हो सकता है? जो लोग गांव का सरपंच नहीं हो सकते वो लोग देश की पंचायत का प्रधानमंत्री नॉमिनेट कर रहे। ये नरेंद्र मोदी को ब्राह्मणों ने नॉमिनेट किया, ए नॉमिनेटेड पीएम है, ही इज नॉट ए रियल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही इज ए नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नरेंद्र मोदी ए नामधारी नियुक्त प्रधानमंत्री है और ये ब्राह्मणों के द्वारा नामधारी नियुक्त प्रधानमंत्री है, ये सही और सच्चा प्रधानमंत्री नहीं है, ये प्रातिनिधिक प्रधानमंत्री नहीं है, ये नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव है, नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है और ब्राह्मणों के द्वारा नॉमिनेटेड है। और चूंकि ब्राह्मण विदेशी है और विदेशी ब्राह्मणों ने नरेंद्र मोदी को नॉमिनेट किया, अडवाणी का विरोध होने के बावजूद, सुषमा स्वराज का विरोध होने के बावजूद भी नॉमिनेट किया, इसलिए ये नॉमिनेटेड पीएम है, इसको हम सही और सच्चा प्रधानमंत्री मानने के लिए तैयार नहीं। और इसीलिए मैंने नरेंद्र मोदी का नाम बदल दिया, नरेंद्र मोदी का नाम हमने रखा नरेंद्र चाडिया। ये नरेंद्र मोदी जो है ये मोदी नहीं है, नरेंद्र चाडिया है। बोलो, अच्छा ठीक ठीक है, बोलो बोलो, आपके इलाके की एक लैंग्वेज है, मातृभाषा है आपकी, हमारे यहाँ के मातृभाषा के गुरु है, हमने उनको गुरु बनाया हुआ है, मातृभाषा का मास्टर है। तो इस तरह से ये केवल जो है ओड़ो है, चाड़िया है, ब्राह्मणों का ये रखा हुआ आदमी है, ये सही और सच्चा प्रधानमंत्री नहीं है। इसलिए हम ये कहते हैं, हम ये मानते हैं कि वास्तविक सत्ता ब्राह्मणों के नियंत्रण में है और पर्दे के पीछे से, पर्दे के पीछे से, पर्दे के पीछे ब्राह्मण ही वास्तविक सत्ताधारी है। सत्ता आरएसएस संचालित कर रही है, मैंने रुकवाया, कुछ हद तक मैंने रुकवाया। मैं आपको बात बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जब वाराणसी गए तो वाराणसी में नरेंद्र मोदी ने भाषण किया और कहा ये गंगा मेरी मां है, आप लोगों को मालूम है? तो लोगों ने सोचा उसके नाम, उसकी मां का नाम गंगा होगा, हमारे देश में औरतों का नाम गंगा होता है, छोड़ो जाने दो, उसकी बातों की तरफ ज्यादा गंभीरता से देखना ठीक नहीं। कुछ दिन के बाद नरेंद्र मोदी ने कहा भारत माता भी मेरी मां। तो लोगों ने कहा अरे इसके तरफ ध्यान देंगे तो रोजी रोटी की समस्या पैदा हो जाएगी, अपने रोजी रोटी की तरफ ध्यान दो भाई। फिर कुछ दिन के बाद नरेंद्र मोदी ने कहा दिल्ली में भाजपा भी मेरी मां। फिर उसके बाद नरेंद्र मोदी मथुरा गए, मथुरा में गंगा नहीं, मथुरा में जमुना है, तो कहा जमुना भी मेरी मां है, गंगा तो है ही है, जमुना भी मेरी मां है। तो लोगों ने कहा एक तो बाप तो होना चाहिए था, अब ये 68 साल का आदमी इतना लंबा चौड़ा आदमी पैदा हो गया बगैर बाप से तो नहीं।
मगर ये आदमी केवल माँ माँ और माँ की ही बात करता है, बाप की बात करता ही नहीं है, केवल माँ की बात करता है। ऐसा करते करते साल भर हो गया प्रधानमंत्री। साल होने के बाद दिल्ली में आरएसएस ने मीटिंग बुलाई। मीटिंग बुलाने के बाद नरेंद्र मोदी ने आदेश दिया कि आरएसएस के मीटिंग में सारे मंत्रियों को जाना होगा और आरएसएस के लोग जो मीटिंग में सवाल मंत्री को पूछेंगे, सवाल का जवाब मंत्री को आरएसएस के लोगों को देना होगा। तो सारे मंत्री वहां गए, नरेंद्र मोदी भी वहां गए और वो आरएसएस के लोग उनको सवाल पूछते, ये उनको जवाब देते। तो इस तरह से इसकी जब खबर आई तब पता चला नरेंद्र मोदी का बाप कौन है। तब पता चला अच्छा तो मोहन भागवत इसका बाप। मैं कोई निजी बात नहीं बता रहा हूं, कोई निजी खुंदक निकालने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको संविधान की बात बताता हूं। संविधान में लिखा हुआ है देश का एक प्रधानमंत्री होगा, प्रधानमंत्री का एक मंत्रिमंडल होगा और प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल समेत संसद को जवाबदेह होगा। सांसद प्रधानमंत्री को और मंत्री को सवाल पूछेंगे तो उसका जवाब संसद में मंत्रियों को देना होगा। मंत्री इस नरेंद्र मोदी के जवाब संसद में नहीं दे रहे, संसद के बाहर आरएसएस के लोगों को जवाब दे रहे हैं। ये गैर संवैधानिक है, ये असंवैधानिक है। ये बात मैंने उस समय उठाई सारे देश भर, जब सारे देश भर में बात उठाई तो अगले साल दो साल पूरा हुआ तो मैं देख रहा था आरएसएस की दोबारा मीटिंग होती है और नरेंद्र मोदी दोबारा मंत्रिमंडल के मंत्रियों को लेकर जाते हैं क्या। तो आरएसएस ने मीटिंग नहीं बुलाई और नरेंद्र मोदी सारे मंत्रियों को लेकर आरएसएस के मीटिंग में नहीं गया तो मुझे पता चला कि वामन मेश्राम ने जो तीर चलाया था निशाने पर लग गया। अब प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी के मंत्री आरएसएस को जवाबदेह नहीं है, संविधान के अनुसार संसद को जवाबदेह है, संसद के प्रति जवाबदेह है, उनको वहां जवाब देना होगा। साथियों, ये हमने जो अभियान और आंदोलन चला रखा है उसका नतीजा है। इसी के आधार पर मैं ये बात कह रहा हूं, इसी के तहत मैं ये बात समझा रहा हूं आप लोगों को कि ए लो, इस देश में अगर ईमानदारी से चुनाव करवाया जाए तो ब्राह्मण ग्राम पंचायत का सरपंच नहीं बना सकते, मगर वो लोग देश की पंचायत का प्रधानमंत्री नियुक्त कर रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि ब्राह्मणों ने ब्राह्मण राज स्थापित कर दिया है। मैं आपको एक अहम सबूत देता हूं, वो सबूत आप लोगों को समझना होगा कि ब्राह्मणों ने ब्राह्मण राज स्थापित कर दिया, इसका सबूत आपको देना चाहता हूं। हमारे देश में चुनाव होता है, संविधान के अनुसार हर 5 साल के बाद चुनाव होता है और जब चुनाव होता है और कांग्रेस जाती है तो बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है तो कांग्रेस आती है। कांग्रेस ब्राह्मणों की पार्टी, बीजेपी भी ब्राह्मणों की पार्टी। एक ब्राह्मण की पार्टी जाती है तो दूसरी ब्राह्मण की पार्टी आती है, दूसरी ब्राह्मण की पार्टी जाती है तो फिर पहली ब्राह्मण की पार्टी आती है। 99 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, 2004 में चुनाव हुआ कांग्रेस आई, 2014 में चुनाव हुआ बीजेपी आई। यानी कांग्रेस जाती है तो बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है तो कांग्रेस आती है। एक ब्राह्मण की पार्टी जाती है तो दूसरी ब्राह्मण की पार्टी आती है, दूसरी ब्राह्मण की पार्टी जाती है तो पहली ब्राह्मण की पार्टी आती है। इससे सिद्ध हो गया ब्राह्मण राज इस देश में स्टेबल हो गया। संविधान के अनुसार क्या होना चाहिए था, ब्राह्मण की पार्टी आती
तो शूद्र की पार्टी जाती, शूद्र की पार्टी आती तो ब्राह्मण की पार्टी जाती, यानी ब्राह्मण का राज चुनाव में जाता तो शूद्र का राज आता, शूद्र का राज जाता तो ब्राह्मण का राज आता। अगर ऐसा होता तो संविधान के अनुसार देश में लोकतंत्र है साबित हो जाता, ऐसा नहीं हो रहा है। और केवल ब्राह्मण, एक ब्राह्मण जाकर दूसरे ब्राह्मण का राज आता है, और इस तरह से ब्राह्मणों ने ब्राह्मण राज भारत में स्थापित कर लिया। इसलिए संविधान के विरोध में पुलिस वालों को आदेश देते हैं। पुलिस वालों की क्या गलती, आपको बोलते हैं वो मंत्री उनको बोलते हैं ये रोक लगाओ, तो ये लोग रोक लगाते हैं। तो ये तो सेवादार लोग हैं, पुलिस वाले सेवादार लोग हैं। आज उनका राज है वो उनकी सेवा कर रहे हैं, कल आपका राज होगा आपकी सेवा करेंगे, तो सेवादार लोग। पुलिस वाले जिसकी सरकार होती है उसकी सेवा करते हैं। तो 2024 के बाद हमारी भी सरकार आएगी, तिवारी जी को हमने बताया, तिवारी जी इसका भी विचार करो, कम से कम तब तक आपका पेंशन शुरू हो रहेगा तो इसकी खबरदारी तो लो, पेंशन देने का अधिकार हमारे हाथ में रहेगा, कोई परेशानी में पड़े हो। तो इसलिए साथियों उन लोगों को मालूम हो गया कि हमने अखबार में इनकी खबरें नहीं छापी तो लोगों को पता नहीं चल रहा है इनका क्या चल रहा है। अब इन्होंने परिवर्तन यात्रा गांव गांव में घुमाने का निर्णय किया तो सब लोगों को तो मालूम ही हो जाएगा। अखबारों में हमने खबरें नहीं छापी तो लोगों को मालूम नहीं होगा, उन्होंने सोचा। मगर हम अभी ने परिवर्तन यात्रा शुरू कर दी है तो 6 लाख गांवों में परिवर्तन यात्रा 24 तक जाएगी तो सबको मालूम हो जाएगा। और जिन लोगों को मालूम नहीं है वो लोग भी इस आंदोलन में हिस्सेदार हो जाएंगे, और जब हिस्सेदार हो जाएंगे तो इस देश में जो ब्राह्मण राज ब्राह्मणों ने स्थापित कर दिया है 2024 तक इसका बंदोबस्त करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। 2024 तक इसका सारा बंदोबस्त करने के लिए हम तैयार हो जाएंगे। देखो अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या 18% है, मुसलमानों की संख्या 15% है, गिनती करो कितनी है, गिनते हुआ 18 और 15, 33 हो गया। आदिवासियों की संख्या 8% है तो हो गया 41%, और नॉमेडिक ट्राइब की संख्या 10% 51%, एमबीसी की संख्या 12%। अगर ये आप ऐसा ही करो केवल शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और मुसलमानों की संख्या 41% हो जाती है। नरेंद्र मोदी को 31% पड़े, एससी एसटी और मुसलमानों की संख्या हो जाती 41%। तो नरेंद्र मोदी अगर 31% में देश पर राज कर रहा है तो हम लोगों का भी राज आ सकता है। केवल आप लोगों के दिमाग में अपने वोट का उपयोग करने की बात समझ में आनी चाहिए, और अगर ये आती है तो ये परिवर्तन आने वाले समय में हो सकता है, उनको ऐसा लगता है इसलिए परिवर्तन को रोकना चाहिए, ऐसा वो सोच रहे, तो सबको मालूम हो जाएगा। अभी गुजरात में जो परिवर्तन यात्रा चलेगी उसका नेतृत्व प्रेम कुमार गेड़ाम के बाद नियंत्रण में, ये प्रेम कुमार गेड़ाम हमारे विद्यार्थी युवा और बेरोजगार संगठन के राष्ट्रीय नेतृत्व इनके हाथ में है, और ये महाराष्ट्र से आदिवासी समाज के, ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए आदिवासी है, तो ये गुजरात में नेतृत्व करेंगे क्योंकि गुजरात में आदिवासियों की संख्या 15% है और शेड्यूल कास्ट की 7%, तो इनके नियंत्रण में है ये, चलेगी यहां यात्रा सारे गुजरात में। तो आने वाले समय में ये परिवर्तन यात्रा जिस अनुपात में कच्छ में मुसलमान आपका साथ दे रहे हैं, अगर उसी अनुपात में सारे देश भर में अगर मुसलमान हमारा साथ सहयोग करना शुरू कर दे, परिवर्तन को ज्यादा देर नहीं लगेगी।
परिवर्तन को ज्यादा समय नहीं लगेगा। अल्लाह ताला ने कुरान में लिख रखा मजलूमों का साथ दो, मुसलमानों को मालूम है कुरान में लिखा हुआ है, लिखा है कुरान में लिखा हुआ है अल्लाह ताला ने मजलूमों का साथ दो। अरे हमारे अलावा कौन मजलूम है भाई, हम ही ना मजलूम है, हम मजलूम भी है महरूम भी है, हम मजलूम भी है महरूम भी है। अगर अल्लाह ताला के आदेश पर कच्छ के मुसलमानों की तरह अगर सारे देश के मुसलमान अमल करना शुरू कर दे तो मुसलमानों का ईमान और मजबूत हो जाएगा। मुसलमान हो और ईमान ना हो, अरे फिर मुसलमान कैसे हो सकता है? जिसका ईमान ना हो वो मुसलमान नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो तो इस देश में परिवर्तन लाने को ज्यादा समय नहीं लगेगा। हम 2-3 हजार साल के सताए हुए लोग हैं, मुसलमान 14 अगस्त 1947 के बाद सताए हुए लोग, ये नए नए मजलूम है, मुसलमान नए नए मजलूम है। इसलिए मुसलमानों के जख्म हरे हैं। अच्छा, अंग्रेजों के सताए हुए हैं, मगर हम 2-3 हजार साल के सताए हुए हैं, हमारे जख्म पता नहीं साले कितनी बार हरे हो गए और कितनी बार लाल हो गए। हम बहुत ज्यादा सताए हुए लोग हैं, इसलिए दूसरों के दुख तकलीफ को हम समझ रहे हैं, और जहां तक संभव हो सके हम लोग सारे देश भर में मुसलमानों की रक्षा करने के लिए अपनी ताकत का उपयोग और प्रयोग कर रहे हैं। मुसलमानों ने आजादी मिलने के बाद एक बड़ी भारी गलती की। कांग्रेस नाम का जो ब्राह्मण था, जो यहूदियों का भाई है, उस जालिम को ताकतवर बनाया। यहूदियों ने मोहम्मद साहब को कितना परेशान किया, कुरान में और हदीस में रिकॉर्ड है, मैं भी पढ़ चुका हूं, मेरे पास रिकॉर्ड है, रिकॉर्डेड बातें बता रहा हूं। अरे ब्राह्मण यहूदियों का ही डीएनए वाला है, ये सारा रिकॉर्ड मिल चुका है। और अगर ये डीएनए का भाई डीएनए है तो इसलिए यहूदी और ब्राह्मण एक ही है, हाँ एक ही है। तो यहूदियों ने मोहम्मद साहब को नहीं बख्शा तो ब्राह्मण मुसलमानों को बख्श देगा, कैसे बख्शेगा? उन्होंने मोहम्मद साहब को नहीं बख्शा। इसलिए मजलूम और मजलूम का इत्तेहाद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मजलूम और मजलूम का इत्तेहाद होता है तो ये जो परिवर्तन यात्रा हमने निकाली इसी इत्तेहाद के लिए निकाली, ये जो परिवर्तन यात्रा है इसी इत्तेहाद के लिए, इत्तेहाद का मतलब है एकता के लिए, यूनिटी के लिए निकाली है। और अगर ये यूनिटी हो गई तो समझो परिवर्तन शुरू हो गया। लोकतंत्र में ज्यादा तादाद वाले लोग ही परिवर्तन करते हैं, ये लिखा हुआ है, काल्पनिक बातें नहीं कह रहा हूं। अगर ऐसा हो जाता है तो परिवर्तन शुरू हो गया है, ये आप समझ लीजिए। और अगर बैकवर्ड क्लासेस के लोग जुड़ गए तो फिर इसका लॉजिकल एंड भी हो जाएगा, इसको ज्यादा समय लगने वाला नहीं है। इसलिए मैं मुसलमानों को खास तौर पर करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि अल्लाह ताला ने आपके ऊपर एक फर्ज, एक जिम्मेदारी सौंपी है कि दुनिया में जितने भी गुलाम लोग हैं, दुनिया में जितने भी सताए हुए लोग हैं, दुनिया में जितने भी मजलूम लोग हैं, उन लोगों की मदद करने का मिशन है। इस्लाम का एक नाम ये मिशन है। इसलिए अगर मुसलमान अगर इन लोगों के मदद के लिए आगे आते हैं तो ये अल्लाह ताला का मिशन पूरी करने का मामला है, और इस पर अमल करने का काम अगर मुसलमान करते हैं तो ये मानवता का काम होगा, इंसानियत का काम होगा, ऐसा करना होगा। इससे बहुत बड़ी परिवर्तन आएगी भारत में,
और ये परिवर्तन लाने के लिए परिवर्तन यात्रा शुरू की गई है। इस परिवर्तन यात्रा को 2024 तक 6,00,000 गांवों तक पहुंचाना है और ये लगातार चलेगी, ये बंद नहीं होगी, किसी के बस की बात नहीं है। अब इसको बदलना, इसको रोकना अभी किसी के बस की बात नहीं है। जैसे मैं कहता हूं ब्रह्मा भी इसको रोक नहीं सकता, मगर ब्रह्मा आने वाला नहीं है। और कच्छ के ब्राह्मण हमें रोक लगाने के लिए मैदान में आते थे, इस समय आए नहीं, क्योंकि पिछली बार मैंने कहा था कि आप लोग हमारा खुल्लम खुल्ला विरोध करते हो, धन्यवाद, क्योंकि मैं अपने लोगों को समझाता हूं, उनको कम समझ में आता, मगर आप जब विरोध करते हो तो मुझे समझाना नहीं पड़ता है, बहुत आसानी से हमारे लोगों को समझना, इसलिए मैं तुम्हारा धन्यवाद देता हूं। तो मेरी बात उनको उल्टी समझ में आ गई, इस बार उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, इस बार उन्होंने प्रशासन को सामने किया। प्रशासन को कैसे निपटना हम जानते हैं। अभी हमने उनको कहा कि ठीक है आप परमिशन मत दो, देशव्यापी जेल भरो शुरू कर, आधे घंटे के बाद शुरू हो जाएगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा, तो पूरी हवा निकल गई। कहा कि नहीं ठीक आप निकाल, थोड़ा शांति से, अरे तो हम कहा शांति पकड़ा, हम खुद ही शांति के समर्थक है। कानून मना करने के बाद भी बाराजी ने भी लोग जेल में चले गए। मैंने लोगों को कहा जेल में जाने की धमकी देने से काम होता है, जेल में जाने की जरूरत नहीं है, और हमारे लोग मानते नहीं, उनको मालूम है पागल लोग हैं। तो इसलिए अभी तो मैंने जो लिख कर दिया कलेक्टर को, गुजरात के प्रशासन को, कि जेल भरो आंदोलन गुजरात में होगा और गुजरात के बाद में सारे देश भर में होगा, ये जो मैंने लिख कर दिया, पुलिस ने परमिशन दिया, मगर ये जो हमने लिख कर दिया ये हम पीछे लेने के लिए तैयार हैं। जेल भरो आंदोलन होगा और देश भर में जेल भरो आंदोलन होगा, ये हमने लिख कर दिया, वैसा ही रहेगा। तुम परिवर्तन यात्रा शांति से चलने दोगे तो हमने लिख कर दिया वैसे ही रहेगा, तो लिखा रहेगा, केवल लिखा रहेगा, और तुमने रुकावट डाली वो लिख कर दिया, प्रैक्टिकल में आए, जेल भरो शुरू हो जाए। तो ये तलवार अभी हमारी हमने निकाल के रखी है और तलवार हमने लटका के रखी है, ये तुमने गड़बड़ किया कि तलवार गिर जाएगी, तो ये आदेश मैं वापस लेने वाला नहीं हूं। ये आदेश गुजरात में सारी परिवर्तन यात्रा समाप्त होने तक कायम रहेगा। लड़ाई है, लड़ाई में रणनीति होनी चाहिए, जिस लड़ाई की रणनीति नहीं होती है वो लड़ाई न लड़ी जा सकती न जीती जा सकती है। इसलिए साथियों मैं और बहुत लंबी बात ना कहते हुए के लिए अपने लोगों को संगठित करने के लिए, शक्ति का निर्माण करने के लिए और शक्ति का उपयोग कब करना है वो मैं बताऊंगा, तब करना है। अब आपको केवल इतना करना है, शक्ति का निर्माण तक करना है। पहला कार्यक्रम जगाना, फिर जोड़ना, जोड़कर शक्ति का निर्माण करना, यहां तक आपकी जिम्मेदारी है। इस शक्ति का उपयोग करने का जो अधिकार है वो मैंने मेरे पास रखा, वो आपके पास नहीं दिया। तो शक्ति का उपयोग नहीं करने का, अरे जब बगैर उपयोग किए ही जब काम होता है तो उपयोग करने की क्या जरूरत है। तो ये मैंने अपने नियंत्रण में रखा है, जब जरूरी होगा तब मैं इसका उपयोग करूंगा। इसलिए मैं आप लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से परिवर्तन हम सारे देश भर में निकाल रहे हैं और कहीं किसी राज्य में कोई अनुचित प्रकार नहीं हो रहा है, गुजरात में भी यही होगा, कच्छ में भी यही होगा, और हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से इस अभियान को, आंदोलन को जारी रखेंगे। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।